दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार पहुंच गया है। नोएडा में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। वायु प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी क्वालिटी बेहद कम है। एयर पॉल्यूशन की वजह से आज भी दिल्ली एनसीआर के स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया। वही दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को लेकर लागू हुई ऑड इवन योजना का आज आखिरी दिन है। सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए थे कि जरूरत पड़ी तो आगे भी ऑड इवन योजना को लागू किया जा सकता है। तो लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर का कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पराली जलाई जा रही है हरियाणा और पंजाब में, तो वहीं हवा में जिस तरह से नमी है उसके चलते भी वायु प्रदूषण जहरीली होती चली जा रही है। और फिलहाल एक्यूआई का जो स्तर है दिल्ली एनसीआर में वो 600 के पार पहुंच गया है। और फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सुबह जिस तरह से एक्यूआई का स्तर 600 के पार पहुंच गया है उसके बाद विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर यहां पर दिख रही है। यानी कि ऐसे में हादसे ज्यादा होने की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। और इसी के तहत एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं आप वो नोएडा की देख रहे हैं। नोएडा में भी आपको बता दें कि एक्यूआई का जो लेवल है वो गंभीर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हवा जहरीली होती चली जा रही है, लोगों का सांस लेना यहां पर मुहाल हो रहा है और बच्चों को जिस तरह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उसके तहत फिलहाल स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है। और अगर हालात यही रहते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल और कॉलेजों की जो छुट्टी की गई है उसको आगे भी बढ़ाया जाए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यहां पर ऐलान किया गया ऑड इवेंट का नियम। और उस दौरान शुरुआती दिनों में काफी राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली, लेकिन अभी आज आखिरी दिन है और ऐसे में कयास यही कि शायद ऑड इवेंट के नियम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नहीं, यही है कि पोल्यूशन की वजह से आप वॉक तो करनी है, आपको फिटनेस तो रखनी है अपनी, तो जस्ट टू अवॉइड कि आपको पोल्यूशन से इफेक्ट ना पड़े तो आप मास्क लगाते हैं। तो वही वजह है, पहले नहीं लगाता था, ये फर्स्ट टाइम है मैंने इतने सालों में मास्क लगाया। मास्क से थोड़ा सा उतना असर तो नहीं, अंदर फिर भी इसका डस्ट तो जा ही रही है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बचाव होगा शायद।